शोक की लहर दौड़ पड़ी है। हर किसी की आंखें नम हैं, हर किसी का दिल टूट गया है। आखिरकार जिसका डर था वह हो ही गया। भारत की स्वर कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया क्वीन ऑफ मेलोडी के नाम से दुनिया भर में मशहूर हुई। अपनी सुरीली आवाज को लेकर दिग्गज गायिका लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच नहीं है। लंबे समय से दुआएं मांगी जा रही थी उनकी सेहत को लेकर। फैंस, नेता, राजनेता, बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के सितारे दुआएं मांगते हुए नजर आए। जल्द से जल्द लता मंगेशकर जी ठीक हो जाएं और अपने घर वापस लौट जाएं। बता दें आपको लता मंगेशकर जी के बारे में, बता दें आपको उस अस्पताल के बारे में जहां पर उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें 8 जनवरी की सुबह लता मंगेशकर जी को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट कराया गया था। कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई थी दिग्गज गायिका। दरअसल लता मंगेशकर जी के घर में एक स्टाफ मेंबर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद परिवार ने उनका भी कोरोना टेस्ट कराया। लता मंगेशकर जी में कोरोना के सिम्टम्स पाए गए और उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। लता मंगेशकर जी को लेकर जैसे ही खबर आई कि वह अस्पताल में भर्ती हैं, 92 साल की उम्र में उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं जांच के दौरान डॉक्टर्स ने बताया कि वह ना सिर्फ कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, बल्कि कोविड निमोनिया से भी पीड़ित हैं। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर जी 28 दिनों तक मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में ही एडमिट रहीं। हालांकि बीते एक हफ्ते पहले उन्हें वेंटिलेटर से हटाकर ट्रायल पर भी रखा गया। फूड पाइप के जरिए उन्हें खाना दिया गया था। ठीक से खाना पीना तक नहीं खा पा रही थी लता मंगेशकर जी, काफी ज्यादा दर्द में थी। जैसा कि आप समझ ही सकते हैं, कोरोना वायरस महामारी के चलते वह काफी ज्यादा दर्द सह रही थी। लेकिन बीते कल ही उन्हें एक बार फिर से वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। तबीयत ज्यादा खराब होने पर डॉक्टर प्रतीश दमदानी और उनकी डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही थी, उन पर कड़ी निगरानी बनाई हुई थी। वहीं लता मंगेशकर जी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज वह नहीं कर रहे थे, जिससे कि वह दोबारा से कोरोना के संक्रमण में ना आ जाए। इस वजह से उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं किया गया था, लेकिन अचानक से तबीयत खराब हुई, उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। नेता राजनेता उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचने लगे। पुलिस बंदोबस्त अस्पताल के बाहर किया गया। मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में ही लता मंगेशकर जी ने जिंदगी से जंग हार ली, आखिरी सांसें ली उन्होंने 92 साल की उम्र में। और आज लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं है, वो सुरीली आवाज अब शांत हो चुकी है। भारत रत्न लता मंगेशकर जी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी हैं। सोशल मीडिया के जरिए सेलिब्रिटीज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अपने दिल के दर्द को छलका रहे हैं। वहीं नेता, राजनेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने भी उन्हें ट्रिब्यूट दिया है और अपने दिल के दर्द को बयां किया है। इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।